यूट्यूब देखने वाले व्यूवर्स को हमजा फैमिली की तरफ से अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज के ब्लॉग का आगाज़ उस रब्बे कायनात के बाबरकत नाम से करती हूँ जिसने ये प्यारी कायनात तख्लीक की। यहाँ पर जी बहुत ज़्यादा बारिशें होती रही हैं, तकरीबन 2 वीक बारिश का मौसम रहा है, लेकिन उसके बाद जो गर्मी पड़ी है वो उसने हमें पाकिस्तान की याद ताज़ा करवा दी है। और बहुत ज़्यादा गर्मी थी, तब भी हम बच्चों को लेके इतना ज़्यादा बाहर नहीं गए क्योंकि इतनी गर्मी में भी फ़न पार्क जितने भी आउटसाइड हैं उन पर नहीं जाया जाता। तो यहाँ पर हम आज फ़न पार्क में आए हैं कि गर्मी जो है वो अब गुज़र रही थी, तो बच्चों ने बोला कि अब हमें ले के चलें। तो आज कदरे मौसम बेहतर था, हवा ठंडी चल रही थी, तो ये फ़न पार्क बहुत ही बड़ा है। यहाँ पर एंट्री फीस ही हम पे करते हैं और अंदर जितनी किस्म के राइड्स होते हैं सब फ्री होते हैं। तो जिनके ज़्यादा बच्चे हों उनके लिए ये पार्क जो है वो बहुत ही सही रहता है, क्योंकि बच्चों ने हर राइड लेना होता है कि किसी भी जगह पर जाके, तो फिर ये रीज़नेबल होता है। तो यहाँ पर इतने ज़्यादा राइड्स थे अंदर और ये बहुत ही बड़ा पार्क था। आजकल जो है वो समर वेकेशंस हैं तो हर जगह पे ही रश है, और इस पार्क में तो ख़ासकर बहुत रश होता है क्योंकि इस पार्क में बहुत ज़्यादा वैरायटी है राइड्स की। और इसके अलावा बच्चों के लिए एक छोटा सा पूल बना हुआ है जिसमें बच्चे थोड़ी देर के लिए स्विम करते हैं या वैसे ही पानी के साथ खेल लेते हैं। तो यहाँ आकर बड़े और बच्चे हर एज के लोग जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंजॉय करते हैं, क्योंकि हर किस्म की यहाँ पर इंजॉयमेंट उन्होंने रखी हुई है। तो ये मैं आपको इसका व्यू चेक करवाती हूँ। अभी जहाँ से मैंने व्लॉग स्टार्ट किया था वो इसकी एंट्रेंस थी, और फिर ये आगे जो है कुछ बच्चों के लिए प्ले ग्राउंड भी बने हुए हैं थोड़े से, और उसके अलावा राइड्स बहुत ज़्यादा हैं यहाँ पर। स्विमिंग पूल जो बच्चों का है वो भी बहुत अट्रैक्टिव प्लेस है यहाँ के लोगों के लिए और बच्चों के लिए भी। तो ये है कि ऐसी जगह जो है वो चले जाएं तो सारा दिन गुजरते हुए पता ही नहीं चलता। हमें भी ऐसे ही होता है कि सुबह यहाँ पे आएं और शाम तक पता ही नहीं चलता, इतनी जल्दी टाइम गुजर जाता है बच्चों के साथ सारे राइड्स पे उनको बिठा के। और इसके अलावा सबसे ज़्यादा तो पूल का होता है, बच्चों को उसमें जो है वो नहा के वो उनका दिल नहीं भरता, निकलते ही नहीं है उसमें से। तो यहाँ पर ये रोलर कोस्टर्स वगैरह इस तरह काफ़ी ज़्यादा चीज़ें थी, तो आप भी इनको हमारे साथ एंजॉय करें। ये है जी वो प्लेस जहाँ पर बच्चों का सबसे ज़्यादा दिल लगता है, और बच्चे तकरीबन 3-4 घंटे इसी प्लेस में गुजारते हैं, इसीलिए राइड्स कम लिए जाते हैं। और यहाँ पर बहुत खूबसूरत ये इन्होंने सेटअप लगाया हुआ है, डिफरेंट टाइप्स की स्लाइड्स हैं लगी हुई, और उसके अलावा यहाँ पर 2-3 छोटे छोटे पूल बनाए हुए हैं। और ये सिर्फ बच्चों का ही यहाँ पर होता है, बड़ों के लिए कोई जगह नहीं है यहाँ पर स्विमिंग की, इसलिए ये जगह बेस्ट रहती है कि बच्चे ही सिर्फ आपको नज़र आएंगे यहाँ पर स्विम करते हुए। यहाँ पर एक बकेट है ऊपर लगी हुई, और ये इसका आप व्यू चेक करें, इतना खूबसूरत इसका व्यू आता है कि ये जब फुल हो जाती है तो ये सारा पानी लोगों के ऊपर गिरता है, और बच्चे उससे पहले ही नीचे खड़े हो जाते हैं कि अभी पानी हमारे ऊपर गिरने वाला है। तो बहुत खूबसूरत वहाँ पे इसका व्यू लगता है, तो ये लोग जो हैं वो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा वहाँ पे इंजॉय करते हैं। और उसी की अपोज़िट साइड पे ये एक और छोटा पूल बना हुआ है, तो सब बच्चे ही यहाँ पर बस इंजॉय करते हुए आपको नज़र आएंगे।
स्विमिंग पूल के साथ ये दो बहुत बड़े साइज़ की इन्होंने यहाँ पर पायरेट रखी हुई हैं, यानी बहुत बड़े साइज़ की ये शिप टाइप हैं जहाँ पर इन्होंने तोपें लगाई हुई हैं ऊपर, और ये एक दूसरे के ऊपर जो है वो बॉल्स इसके अंदर डाल के तो एक दूसरे के ऊपर फेंकते हैं। तो यहाँ पर बच्चे जो हैं वो स्विमिंग के साथ साथ ये भी आपस में कंपटीशन करने के लिए आते हैं कौन किसको ज़्यादा बॉल्स मारता है। अब हम लेते हैं जी इस पार्क का खूबसूरत तरीन व्यू ऊपर से, और इसके साथ साथ आप इंजॉय करें सारे राइड्स। यहाँ पर बहुत खूबसूरत बग्गीज़ भी थीं जिसमें बैठ के पार्क का एक स्मॉल सा विज़िट करवाया जाता है, और हम लोग भी इस बग्गी में बैठ के विज़िट कर रहे थे। तो ये 6 ईयर से ऊपर जो बच्चे होते हैं वो इस हॉर्स पे बैठ सकते हैं या राइड ले सकते हैं, बाकी सब पीछे वाली बग्गी पे बैठते हैं जो छोटे बच्चे हों। तो इसके साथ आप देखें कि ये कितना ही खूबसूरत साइडों से व्यू इसका आता है, और यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स की उन्होंने एनिमेशंस भी अंदर बनाई हुई थी, जैसे गार्डन होता है या हाउस होते हैं, इस तरह की चीज़ें यहाँ पर आपको नज़र आएंगी। ये सामने आपको हाउस नज़र आ रहा है, तो ये यहाँ पे अंदर जो उन्होंने यहाँ पे एक बनाया हुआ है फार्मर, वो काम कर रहा है, और इसको देखें ये मुसलसल सारा दिन काम ही करता रहता है। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर बनी हुई थी, बहुत ही खूबसूरत इसका व्यू था। आज का दिन जी बहुत ही अच्छा था बच्चों का, बच्चों ने बहुत इंजॉय किया और सारा दिन घर से बाहर गुजारा। और आपको पता है बच्चे यही चाहते हैं कि हमें ऐसी जगह पर लेके जाया जाए जहां पर हम खूब इंजॉय करें। और उम्मीद करती हूं आप लोगों को भी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें। आखिर में दुआ गो हूँ अल्लाह पाक से कि अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। जो लोग भी आज फर्स्ट टाइम हमारी वीडियो वॉच कर रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, अपना रखिएगा बहुत सा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।